हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 का ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसके टोटल 6 पार्ट हैं और 6 सब्स्टिट्यूशन पर हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्वेश्चन पर ही सिखाऊंगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराऊंगा। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है, इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट वीडियो जो है वो आप अच्छे से ज़रूर देख लो ताकि आपको इस चैप्टर का बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और इससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 का बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। पहला जो इक्वेशंस है वो है एक्स प्लस वाई 14, एक्स माइनस वाई 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। पहला है एक्स प्लस वाई 14 और एक्स माइनस वाई। तो हमें इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का जो तरीका है वो है कि आप सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। आपको दोनों में से जो इजी इक्वेशन है वो चूज कर लेनी है। अब आप कहोगे इजी और डिफिकल्ट कैसे पता चलता है ये? तो भाई ये आपको पता चलेगा एक्स वाई के आगे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनसे। वैसे तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यही वाली चूज करनी है, यही वाली चूज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों को देखकर आपको लगे यार जो इजी इक्वेशन है उसको आप उठा लो। जैसे यहां पर क्या है, मैं ये वाली इक्वेशन को उठा रहा हूं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो जैसा कि नाम है सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट करनी है यानी पुट करनी है वैल्यू। तो यहां से आप क्या करो, या तो एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो, या तो एक्स की या तो वाई की, जो आपको वेरिएबल सबसे ज़्यादा पसंद हो उसकी वैल्यू निकालो। ज़्यादातर को एक्स पसंद होता है, ठीक है ना? तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का वाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4 प्लस वाई। फिर जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली दूसरे वाले में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर, इसको 1 में पुट कर दिया। तो एक्स की वैल्यू निकली सेकंड से, लेकिन पुट करेंगे फर्स्ट में। जिससे निकाली उसी में मत पुट कर देना, फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई 14 है ना? तो क्या होगा, देखो एक्स की जगह पर आ जाएगा 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई एक्स की जगह पर, और प्लस का वाई सेम रहेगा, 14 सेम रहेगा। अब प्लस का 4 उधर भेज दो, वाई और वाई हो गया 2 वाई, 14 माइनस 4, तो 2 वाई हो गया हमारा 10, और 2 नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो वही 2 के टेबल में 10 किस पर आता है, 5 पर, तो y आ गया 5। फिर y की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, x निकालना है ना अब आपको, तो y पुट कर दो यहाँ। x इक्वल टू क्या है, 4 प्लस वाई है ना? तो x क्या हो जाएगा, y आ चुका है 5, तो x कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। पॉइंट क्या होता है, 9.5। पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई होता है ना? तो लास्ट में इसको ऐसे पॉइंट की फॉर्म में लिख देना, 9.5। समझ में आया आपको? ये आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में डालो, बस इतना है और कुछ नहीं। देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एस माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसका सेकंड पार्ट है एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, और दूसरा है एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 6। एस बाय 3 प्लस टी बाय 2, एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। अब जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हुई है, मैंने वहां पर आपको बताया था कि भैया फ्रैक्शन से हमें क्या होती है, इस चैप्टर में नफरत होती है। फ्रैक्शन देखते पूरा मन खराब हो जाता है कि क्या नंबर आ गए, नीचे दिमाग खराब कर रहे हैं। तो इनको हटाना है। कैसे हटाना है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ठीक करूंगा, नीचे जो नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शन है, इनको हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है भाई। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, 2s हो गया। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, ऊपर हो गया 3t। उसके बाद 6 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा 6 × 6, तो 2s + 3t इक्वल टू 36। ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है, क्या बढ़िया इक्वेशन लग रही है। ये फ्रैक्शन नीचे दिमाग खराब कर रहे थे, फ्रैक्शन हट गए, ठीक है। एलसीएम से आपके फ्रैक्शन हट जाएंगे। तो अब पहली इक्वेशन ये है s - t इक्वल्स टू 3, इसको 1 मान लेते हैं, और दूसरी है 2s + 3t इक्वल टू 36, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब अगर आपको मैं पहचानने को बोलूं कि भैया कौन सी इक्वेशन आपको इजी लग रही है, तो अब आप कहोगे यार फर्स्ट वाली ज़्यादा इजी है, तो इसको उठा लो, s - t इक्वल टू 3। अब यहाँ पर वेरिएबल है s और t, तो आप या तो s की वैल्यू निकालो या t की वैल्यू निकालो। तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का t उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का t। उसके बाद कहाँ से निकली, फर्स्ट से ना पुट का होगा सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल्स टू 3 + t इन इक्वेशन नंबर 2 में, इसको पुट कर रहा हूँ मैं। 2 क्या है, 2s + 3t इक्वल टू 36 है ना, तो s की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 3 + t + 3t सेम, 36 सेम, ठीक है भाई। बस s की जगह आपको 3 + t लगा देना है, तो 2 और 3 हो गया 6, 2 और t हो गया 2t, 3t 36, प्लस का 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, 3 और 2 हो गया 5, तो 36 - 6, तो 5t इक्वल टू, 36 में 6 गए कितना हो गया 30, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा नीचे जाकर डिवाइड, 5 के टेबल में 30 आता है, t की वैल्यू आ गई 6। और अब आपको s निकालना है, तो s क्या था, 3 + t ना, s क्या था 3 + t, और t कितना आया 3 + 6, s कितना आ गया 9। तो लास्ट में क्या लिखना है, देखो भाई वेरिएबल क्या था, s t ना, तो आपको अब लास्ट में पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 9, 6, ठीक है भाई। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 6, 9 क्यों नहीं लिख दिया, पहले t मान लो फिर s मान लो। देखो भाई वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो यहाँ पर s - t 9 है, तो s अगर आपका 9 है और t 6 है, तभी तो 9 - 6 3 आएगा, समझ रहे हो। s 9 है, t 6 है, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये पॉइंट फॉर्म में लिख दोगे तो थोड़ा टीचर पे इम्प्रेशन सही रहता है कि बच्चे को आता है, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है, 3x - y = 3, 3x - y = 3, और ये हो जाएगा 9x - 3y = 9, 9x - 3y = 9। अब इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, तो कंपैरेटिवली पहले वाली इक्वेशन जो है वो इजी है। तो 3x - y = 3, मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली, यहाँ से x निकाल रहा हूँ, तो x क्या होगा, तो पहले माइनस का y उधर जाकर प्लस, और 3 नीचे जाकर डिवाइड, 3 + y / 3। तो मैंने कहाँ से निकाला, फर्स्ट से पुट का होगा सेकंड में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 + y / 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, तो 9x - 3y = 9, ये इक्वेशन है। x की जगह लगाना पड़ेगा 3 + y / 3, तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, और 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 9, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 3y - 3y = 9। अब आप कहोगे ये तो कट गया, अबे ये क्या बवाल हो गया, यहाँ पर जो निकालना है वो मर गया, अबे यार ये क्या हो गया भाई। तो भैया कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्या है लोचा है, अगर ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाए कि बीच में भैया जो निकालना है वही ख़त्म, निकालें क्या फिर, ठीक है भाई, यही कट गया, तो अब आपको क्या करना है, फिर से इक्वेशन के पास आना है। अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में मैंने लिखवाया था, जब a1 / a2 b1 / b2 के नॉट इक्वल होता है तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक, या फिर आप इसको 1 भी बोल सकते हो। जब a1 / a2 b1 / b2 के इक्वल होता है, c1 / c2 के इक्वल नहीं होता, तब लाइन कैसी होती है, पैरेलल, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन।
और जब तीसरा केस क्या है, जब तीनों इक्वल होते हैं, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, तब लाइन होती है कोइंसिडेंट। सॉल्यूशन कैसा होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो आपको ये मेथड थोड़ा सा लगाना है यहाँ पर। ठीक है भाई, थोड़ा सा क्या, पूरा ही लगाना है। याद रखना, अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन कोइंसिडेंट है, तब आपको सॉल्व नहीं करना है। पैरेलल में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। कोइंसिडेंट क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। इक्वेशन को सॉल्व कब करना है? जब यूनिक सॉल्यूशन है। देखो यहां पर क्या आया, एक सॉल्यूशन आया, यहां पर क्या आया, एक सॉल्यूशन आया। भाई एक्स की वैल्यू 9 और 5 ही तो होगी, 9 और 6 ही तो होगी, और कोई तो नहीं होगी ना। लेकिन नो सॉल्यूशन में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में या तो सॉल्यूशन नहीं होगा या बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, और नहीं, हम नहीं निकालेंगे। हम कब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को? जब यूनिक होगा। याद रखना ये चैप्टर, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना बात, इक्वेशन को तभी सॉल्व करना जब यूनिक हो। अब यहां पर अगर मैं ये लगाकर देखूं कि क्या हो रहा है, तो तीन बटे, पहले क्या करते हैं, एक्स एक्स वालों को डिवाइड, फिर वाई वाई वालों को डिवाइड और सी सी वालों को डिवाइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो, एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन। तो यहां पर क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया ना। कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट। तो लिख देंगे भैया कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और यहीं पर क्वेश्चन को लीव कर देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में और पैरेलल के केस में हमें इसको सॉल्व नहीं करना। तो क्वेश्चन को यहीं लीव कर देंगे कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हम नहीं भैया बता सकते इतने सारे सॉल्यूशन, हम सिर्फ एक बताएंगे। ठीक है भाई, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2x, 0.3y, 1.3, 0.2x, 0.2x, 0.3y, 1.3 और फिर 0.4x, 0.5y, 2.3, 0.4x, 0.5y, 2.3। अब देखो भाई, फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल आ जाए, रूट आ जाए, ये मन खराब कर देते हैं। फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट, सिंपल नंबर नहीं दे सकते इनको भैया, कुछ ना कुछ चुल मचानी है जिंदगी में हमारी। तो भैया यहाँ पर अब इसको फिर कैसे सॉल्व करें जब डेसिमल आ गया तो? ठीक है भाई, तो क्या करो, पहले आप डेसिमल को हटाओ। जैसे 0.2x है ना, तो इसको 2/10x लिख रहा हूँ, पॉइंटेड आके नीचे 10 आएगा, और इसको 3/10y, और इसको 13/10, और यहाँ पर 4/10x, यहाँ पर 5/10y, यहाँ पर 23/10। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, 10, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 3y, 13/10, 10 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इधर भी एलसीएम लो, 10 एलसीएम आएगा, तो ये कितना हो गया, 4x प्लस 5y 23/10, 10 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23/10 इंटू 10, 10 से 10 काट दो, तो 4x प्लस 5y कितना हो गया, 23। इसको मानना है सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन जो थी, अब जो डेसिमल में थी वो मैंने कन्वर्ट कर दी इन दोनों में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3y 13, 2x प्लस 3y 13, और दूसरी है 4x प्लस 5y। अब देखो, सॉल्व करने से पहले आप चेक कर सकते हो इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। देखो 2/4, 3/5 दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो सॉल्व करने से पहले आप चेक कर सकते हो उस मेथड पर, कमांड बनाकर आप शुरू में चेक कर सकते हो यूनिक हो तभी सॉल्व करना, नहीं तो वो लिख देना। जैसे मान लो पैरेलल आ रहा है तो नो सॉल्यूशन लिख दे, खत्म कर दो। कोइंसिडेंट आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दो, खत्म कर दो। बस यूनिक में सॉल्व करेंगे और किसी में सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ। दोनों में से अगर मैं ईजी इक्वेशन की बात करूँ तो 1 वाली कंपेरेटिवली ईजी है, इसके कोएफिशिएंट 2-3 है। तो मैंने 1 वाली को पकड़ा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, प्लस का 3y उधर जाकर क्या होगा, माइनस का 3y, और 2 नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड, 13 माइनस 3y अपॉन में
तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां से पहले से निकला ना, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन नंबर किसमें, टू में। टू क्या है, 4x+5y=23। तो मैंने x की जगह पर पुट करा 13 माइनस 3y/2 + 5y और 23। तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, 2 को 13 से करूँगा 26, 2 को 3 से करूँगा 6, और ये सेम, और ये 23। 26 उधर जाकर माइनस, -6 + 5 हो गया -y, 23 - 26 -y हो गया -3, तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 मैंने पुट करी x में, x क्या है 13 - 3y/2, y की जगह मैंने पुट करा 3/2, तो ये हो जाएगा 13 - 9/2, 4/2, 2। तो x आ गया 2, y आ गया 3, पॉइंट कितना हो गया 2 कॉमा, ये इसका सॉल्यूशन होगा फाइनल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ है √2x + √3y0। √2x + √3y0, √3x - √8y0। भाई हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती इनसे। अब देख रहे हो, रूट वाला आ गया, पहले फ्रैक्शन वाला आया झेल लिया, पॉइंट वाला आया झेल लिया, भाई रूट तो मतलब छो पार्ट में तीनों घुसा दिए जिनसे नफरत है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, करते हैं सॉल्व, क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, और करेंगे सॉल्व। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है x और y √8y, रूट वाले आ गए क्वेश्चन। तो इसमें मैं सेकंड चूज़ कर रहा हूँ, सेकंड से वैल्यू निकालते हैं, √3x - √8y = 0। तो माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस, और एक्स हो जाएगा √8/√3y। ये एक्स की वैल्यू आ गई, सेकंड से निकाली, पहले में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू √8/√3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट कर रहे हैं, 1 क्या है, √2x + √3y 0। तो √2x की जगह पर पुट करा √8/√3y √3y 0। देखो भाई रूट वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, √2 √8, ये हो गया √16, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो। ठीक है भाई, तो √16, कई बच्चे बोलेंगे सर √16 तो 4 होता है, 4 लिख दो, कोई बात नहीं, नाराज मत हो, तो √16 4 होता है, +√3y। अब देखो दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाल दो, इधर क्या बचा 4/√3, इधर क्या बचा √3। अब देखो भाई y के साथ ये जो भी नंबर है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना y के साथ, जब उधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई, यहाँ पर 8 होता मान लो तो डिवाइड होकर हो जाता 0/8, 15 होता 0/15, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड होगा, और ज़ीरो से जो भी नंबर डिवाइड होगा उसका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है भाई, तो y आ गया 0, यहाँ पर पुट करो √8/√3 × 0, तो इंटू हो रहा है, तो भैया 0 सबको खा जाता है, किसी को नहीं बख्शता, 0 से 1 करोड़ को भी मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं आने वाला भैया, 0। तो इसका पॉइंट क्या हो गया, 0, 0, x भी 0, y भी 0। अब एक बार समझा रहा हूँ, समझ लो, एक नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो भाई ऐसी इक्वेशन जिनमें कांस्टेंट नहीं होते, इसमें देखो कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट समझ रहे हो, जैसे देखो यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट होते हैं नंबर, एक्स और वाई है, कांस्टेंट भी है, यहाँ पर देखो एक्स वाई तो है मगर कांस्टेंट नहीं है, जिन इक्वेशंस में कांस्टेंट नहीं होते उनका आंसर पक्का ओरिजिन होगा, अगर एक नंबर में आता है तो टिक कर देना बिना कुछ सोचे समझे, आपको ओरिजिन पे टिक कर देना है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो दोनों में, अगर किसी एक में है तो सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों में अगर कांस्टेंट नहीं है आग बंद करके 0, 0 लगा दो आंसर। चलो भाई सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं, लास्ट सिक्स्थ है हमारा 3x/2 -5y/3 -2x/3 +y/2 = 13/6। अब फ्रैक्शन आ गया, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक बनाते हैं।
इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2 को, तो एलसीएम लेंगे 6, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 3 9, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, 10y -2, 6 उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 6, तो 9x -10y कितना हो गया, माइनस का 12, ये बन गई मेरी पहली। इसको सॉल्व करेंगे, x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 13/6। इसको भी एलसीएम पकड़ते हैं, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर 2x, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर 3y, 13/6, 6 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 13/6 इंटू 6, 6 से 6 कट गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो ये बन गई मेरी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 9x -10y -12, 9x -10y -12, और दूसरी है 2x प्लस 3y 13, तो इसको 1 मान लेते हैं और उसको 2 मान लेते हैं। कौन सी इजी लग रही है भाई, सब बोलेंगे सेकंड वाली ज़्यादा इजी है, तो सेकंड वाली पकड़ लेते हैं। इधर से वैल्यू निकालते हैं किसकी, x की निकाल लेते हैं, 13 -3y, प्लस का 3 उधर जाके माइनस, 2 नीचे जाके डिवाइड, तो सेकंड से निकालिए फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 13 -3y/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 1 क्या है, 9x -10y इक्वल्स टू -12, तो x की जगह पर पुट करा 13 -3y/2 -10y -12, तो ये कटेगा तो है नहीं भाई, 2 और 9 तो कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करो, 39 का कितना होता है 117, और 93 का कितना होता है 27y/2, माइनस का 10y उधर लेकर के जा रहा हूँ तो प्लस का 10y हो जाएगा, माइनस का 10 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करूँगा तो सेम आएगा 117 -27y, और इसको 2 से करूँगा, 2 टेन ज़ा 20, 12 टू ज़ा 24, 20y को इधर ले आओ, प्लस का है माइनस हो जाएगा 100, अरे ये वाई थोड़ी आएगा यहाँ पे, ये वाई नहीं है भाई क्योंकि 117 था, सिर्फ 117, तो 20 इधर आ गया और 117 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 117, ये हो गया माइनस का 47y, और जो हो जाएगा 141, माइनस से माइनस कट वाई, 141 47, 47 के टेबल में 141 आता है 3 पर, तो वाई आ गया 3। एक्स निकाल लें तो 13 -3y अपॉन में 2 है, तो 13 -3 इंटू 3 अपॉन में 2, 13 -9 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, तो x कितना आ गया 2, पॉइंट हो गया 2 कॉमा। तो ये था भाई आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक्सरसाइज 3.3 का, अभी हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस करा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चंस को आप बना पाओगे, ठीक है भाई। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में डाउट लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप अपने डाउट्स को इंस्टाग्राम पर पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।